अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। स्वागत है आपका आपके चैनल EFZ में। दोस्तों, आपने आए दिन पाकिस्तान से ऐसी खबरें तो सुनी होंगी कि भारत की बढ़ते हुए कदमों से पाकिस्तानी मीडिया का दिल दहल उठता है, लेकिन अब पाकिस्तान भारत के बढ़ते हुए कदमों पर सोचता है कैसे भी करके वो भी शामिल हो जाए। वो भारत से अब दोस्ती करना चाहता है, वो भारत से बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसा करके या तो कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया या फिर पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मार ली। दोनों ही स्थितियों में पाकिस्तान का नुकसान हो गया और वह दर दर की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान के जिहादी भारत की खुफिया एजेंसी रॉक के एक्शंस के बाद काफ़ी थर्राने लगी है। वहाँ का लाल टोपी जिहादी मास्टर भारत की रॉक के खिलाफ न जाने कैसी कैसी कसीदे पढ़ रहा है। दोस्तों, देखिए यह मजेदार रिपोर्ट और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा टैलेंट मौजूद है, मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है। वो आपसे बहुत आगे, आप उनकी टेक इंडस्ट्री देखें, आप उनका हर मामले में आप देखें, वो कंपैरिजन ना करें बजाय जहां पर कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। ये जो आपने ड्रामा शुरू किया हुआ ना कि हम वसाइल से माला माल और ये वो, ये बातें प्लीज आप प्लीज बंद कर दो। अभी आपका ड्रामा बंद हो जाना चाहिए, हो नहीं सकता ना। आप ड्रामे नहीं करो, आप साबित करो कि है, अभी तो नहीं है ना, होगा कहीं छुपा हुआ है, कहीं हवा में मिल नहीं रहा, कोई गलत अभी। आप सिर्फ ये बताओ कि अभी तेल के ज़खायर कितने हैं, अभी गैस के ज़खायर कितने हैं। इसकी एक मिसाल अगर हम बात करें तो बासमती चावल है मिसाल के तौर पे। अब हमारा बासमती चावल ही हमारा अपना प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का बेचने वाले इसको अपने नाम से भारत है, तो हम कहीं तो पीछे रह गए ना कि वो हमारे बाजी ले गए। हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, वो हमारे यहाँ निकलता है, पैदा होता है, उसको हम पैकेजिंग ना कर सके आज तक। आप हमारी कोताहियों का और जिसको कहते हैं कि गलतियों का अंदाजा लगाए कितने बड़े पैमाने पर हमने किए। अच्छा, कुछ ऐसे ही पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के साथ भी अब हो रहा है, और जाहिर है कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है एप्पल म्यूजिक पे जो है वो आईट्यून्स जो है उनका एक खास जो सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ऐप है, उस पर इंडियन पॉप म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। जी, इंडियन पॉप म्यूजिक जिस तरह होता है ना, एशियन खाने पाकिस्तान का खाना कहीं नहीं है, पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है, यानी कुछ भी कह लो लेकिन बिल्कुल कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना, ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि वो स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी एक बहुत बेहतरीन दास्तान है और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें बजाय किसी इंडियन। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे जो हमारे 90 की दिहाई में जिन पर ये टैग लगा था कि कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करें, वहां पे जाके चार ऐसे जो थे जो मिलिट्री की लीडरशिप थी उन चार को शहीद कर दिया गया है और भारत में इस पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि हमने इनको निशाना लेकर टारगेट करके मारा है, अब हम हर एक के पीछे जाएंगे। जी, हौसले बुलंद हुए उनके। जिस तरह हम कहते हैं आपको इंडिया के खिलाफ भी एक एग्रेसिव पोस्चर लेना है, जिस तरह वो आपके अंदर बगावतें भड़का रहे, आप उनके अंदर आजादी की तहरीकों को भड़काइए, कश्मीर हो, खालिस्तान हो, नक्सलाइट हो, नागालैंड हो। जब तक आप ये नहीं करेंगे भारत का प्रेशर कम नहीं होगा आपके पास, अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे हम जैसे 20 साल से हम उठा रहे। जो हमारे दावेदार हैं, हमारे हुक्मरान होने के, सियासी लीडरशिप के दावेदार हैं, जब वो खुद इसका एहसास नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के खतरात किस कदर शदीद हैं और आए दिन बढ़ रहे हैं और उनको खतरात को कम करने के लिए कम से कम आपने कुछ कदम एक तो उठाना है ना, अभी तक उस कदम को उठाने को हम तैयार नहीं है। बातें आप सुन लीजिए इनसे, जो भी करने चाहिए कानून आइन सब कुछ खत्म करते हैं आप इसका, फिर छोड़ दें, जिसका जितना बड़ा जत्था होगा वही काम चलाएगा। इससे यही हम सोच नजर आ रहे हैं, जंगल वाला कानून हम जाना चाहते हैं। देखिए, ये तो बहस चल रही है, मैं और एक बात करना चाहता हूँ यहाँ। ऐसे भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 9 बच्चे हमारे आज शहीद हो गए। दूसरी तरफ शायद हमारा मीडिया इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, आइन सब कुछ खत्म करते हैं आप इसका, फिर छोड़ दें, जिसका जितना बड़ा जत्था होगा वही काम चलाएगा। इससे यही हम सोच नजर आ रहे हैं, जंगल वाला कानून हम जाना चाहते हैं। देखिए, ये तो बहस चल रही है, मैं और एक बात करना चाहता हूँ यहाँ। ऐसे भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 9 बच्चे हमारे आज शहीद हो गए। दूसरी तरफ शायद हमारा मीडिया इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। अगर आपको याद है, म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली एथलीट को मार दिया गया था, इजरायली इस ब्राउन ने पूरी दुनिया में उनको ढूंढ के टारगेट करके मारा था, उस पर फिल्म भी बनाई, ब्राउन ने बड़ा उनका ये क्रेडिट भी था उसका। भारत उन लाइन पे चल निकला है क्या? सारी सियासत में कहीं इसका जिक्र है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या जितनी भी सियासत आप कर लें, ऑडियो वीडियो, ये ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल के जो हमारे मेन स्ट्रीम लीडरशिप है किसने बात की है कि पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के नासूर से छुड़ाने के लिए क्या हमें करना है क्या नहीं करना? ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान किया था, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाने जाएंगे, एक दिन डेट हुई फिर वो खत्म होगी। भाई, किसी हमारे पाकिस्तान की इस कौमी सतह की लीडरशिप के ऊपर ये किसी को एहसास है इन चीज़ों का? इमरान खान गिरफ्तार होंगे, इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, मुल्क किस मुसीबत में गिरफ्तार है, माली हालात कहाँ पे जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्लान कोई किसी को नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब भी आप आते हैं ना, मैं भी मिल के आऊँ काफी सारे लोगों से ये प्राइवेट लाइफ में, इसमें मुझे किसी एक जगह पे किसी उम्मीद की जो बात करनी कि ये ऐसे ठीक हो जाएगा, नहीं वैसे ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे किसी एक जगह। और पाकिस्तान के सबसे बड़ा बिगेस्ट जो इंडस्ट्रियल टाउन है, आपको फैसला बात की बात करूँ, वहाँ पे इंडस्ट्री जिससे बात करें वो बेचारे रो रहे हैं, मजदूर जिससे बात करें वो बेचारे रो रहे हैं, मामला कहीं और बिगड़े हुए हैं, हम फंस के यहाँ पे रह गए हुए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को सजानी कैफे से निकालिए, कैसे निकालेंगे आप इसको? अगर यही चलता रहा तो कैसे निकलेगा इसको?
यानी इतना सा फैसला भी हम आजादी से नहीं कर सकते क्या कि हम जाएं और अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज करें, एम्बेसी खोलें इस्लामाबाद में, कहीं भी रिकॉग्नाइज यूएस गवर्नमेंट, और आज मुआहदा करते हैं हमारा कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। दुश्मन बनाने की क्या जरूरत है? भारत ने हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाया, अगेन जिस तरह कश्मीर पर हम खामोश बैठे रहे, अफगान तालिबान को हमने तस्लीम नहीं किया, भारत अरबों रुपया लेकर पहुंच गया काबुल में, उनको पैसा दे रहा है, तो जाहिर अब भारत उनकी तनख्वाहें दे रहा है, भारत उनको फंडिंग कर रहा है, तो जाहिर भारत के खिलाफ एक्शन वो क्यों लेंगे? आप क्या दे रहे हैं उनको? अफगान को जरूरत है पैसा, अमरीका ने 10 अरब डॉलर रोक लिया, उनके पूरी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उन्होंने जिंदा भी तो रहना है, वो क्या करेंगे जब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है उनके साथ मामला करने में? आपको सीरियसली इंगेज करना होता है, उनके इंटरेस्ट अपने साथ बांधने होते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है, इंडिया के बगैर उनका सर्वाइवल है, जैसे 96 से 2001 के दरमियान था। तो आपको अब एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेनी है अफगान तालिबान की तरफ। हर रोज एक आईडी फटती है, हमारे अफसर जवान शहीद हो जाते हैं और हम कहते हैं कि बड़े, और हर रोज कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशन पे हमला करते हैं, हम कहते हैं बड़ी कामयाबी से हमारी सीटीडी ने या पुलिस ने आर्मी ने जाकर क्लियर कर दिया उस इलाके को। एक ये चीज मुसलसल 20 साल से हो रही है और हो चले जा रही है और हमको रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं कर रहा है इसका। आपको टीटीपी को खत्म करना है, आपको बीएलए को खत्म करना है, और आसान हो जाएगा उनको खत्म करना अगर अफगान तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करके अपना इत्तेहादी बना लें। अफगान जाहिर है इंडिया का प्रेशर उनके ऊपर है बहुत ज्यादा, इंडिया रिकॉग्नाइज करें, इंडिया उनको बहुत भारी रकम दे रहा है और इंडिया को नो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उनको मदद नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। आपको उनका इंटरेस्ट अपने साथ लाना पड़ेगा। अभी हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, कभी बंद कर देते हैं बॉर्डर को, बट इट हैज टू बी मोर देन दैट। उनको इज्जत दें, गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम रिकॉग्निशन। आपको जितने नापसंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हैं काबुल में हुकूमत कर रहे हैं, और जब तक वो हैं आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जब आप करजाई और अशरफ घनी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो ये तो लाख गुना बेहतर है उनसे। लिहाजा नाउ इज द टाइम। वो गलतियां जो बाजवा इमरान को, इन लोगों ने बाजवा इमरान और फैज ने जो हिमाकत है कि टीटीपी को लाके पाकिस्तान में आबाद कर दिया, वो इतने बड़े बड़े तबाह को हमारे ब्लंडर्स हैं कि जिसके जिसका इसका कफारा हजारों लाखों जानों में हमें देना पड़ेगा।